नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए सोमवार का दिन खास रहा। दरअसल सोमवार को लालू परिवार में एक नए मेहमान का आगमन हुआ। लालू प्रसाद के घर में लक्ष्मी के रूप में नई मेहमान आई हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को सोमवार को पुत्नी रत्न की प्राप्ति हुई है। जैसे ही राजश्री माँ बनी, लालू परिवार सहित उनके चाहने वालों के बीच पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद से लालू परिवार को बधाई देने का तांता लग गया। खुद पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे लालू प्रसाद भी अपने आप को नहीं रोक पाए और पोती को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान लालू प्रसाद ने भी पोती की मुलाकात की। पहले तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीरों के माध्यम से पोस्ट की, जो लगातार वायरल हो रहा है। लालू ने अपनी पोती को न केवल गोद में खिलाया बल्कि उसे पुचकारा भी। दादा की गोद में नवजात भी काफी आकर्षक और सुकून में खिलती दिख रही हैं। लालू प्रसाद के साथ साथ पोती को देखने तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भी पहुंची हुई थी। लालू राबड़ी दोनों बच्ची को खिलाते और मुस्कुराते दिख रहे हैं। लालू ने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी पोती और परिवार, जिसमें तेजस्वी राजश्री भी मौजूद हैं, की तस्वीरें शेयर की। लालू ने लिखा है कि अपने बच्चे को प्रथम बार गोद में लेना अद्भुत, रोमांचक, सुखद और मंत्रमुग्ध करने वाला पल होता है। आप इस कीमती नए छोटे से मासूम चेहरे पर भविष्य के साथ साथ अतिप्रियम वर्षों के प्यार, त्याग और संघर्षों को महसूस करते हैं। हाल ही में इलाज करवाकर विदेश से दिल्ली लौटे लालू प्रसाद ने लिखा है कि इनकी छोटी आंखों का मिलान कुछ नया दिखता है। कभी कभार अनुभूति होती है कि नाती पोती आपकी आत्मा का भी थोड़ा सा हिस्सा आपसे ले लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने सोमवार को 9:53 ट्वीट कर एक बच्ची का पिता बनने की जानकारी दी। इसके बाद लालू यादव समेत आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। तेजस्वी यादव ने सोमवार को सुबह बच्ची की फोटो के साथ ट्वीट कर लिखा, ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न की प्राप्ति के रूप में उपहार भेजा है। इसके बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी और बच्ची की फोटो के साथ एक के बाद एक दो ट्वीट किए हैं। तेज प्रताप यादव ने चाचा बनने की खुशी में विधानसभा में लड्डू भी बांटे। साथ ही उन्होंने कहा कि नवरात्र के इस पावन अवसर पर हमारे परिवार में नए सदस्य का आगमन आना इस बात का शुभ संकेत है कि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा ने अपना आशीर्वाद दिया है। लालू परिवार को बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें थी लालू प्रसाद और एक पोती को अपने गोद में लेकर किस तरीके से दादा खुश होता है, ये जीता जागता उदाहरण लालू प्रसाद यादव की पोती के साथ ये तस्वीरें हैं। बाकी इस तस्वीर पर आपको क्या कुछ लिखना चाहेंगे बताना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।